हे बॉयज़ गर्ल्स एंड किड्स, आज हम लोग एक करंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक बुक के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को क्लेरिफिकेशन देना पड़ा है। ये एक नोवेल है ओम प्रकाश वाल्मीकि उत्तर प्रदेश के, जो एक लेखक हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन ए दलित लाइफ हिंदी में लिखी। ये एक दलित लिटरेचर था। 2003 में इस बुक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया अरुण प्रभा मुखर्जी द्वारा। अरुण प्रभा मुखर्जी एक प्रोफेसर हैं इंग्लिश के, यॉर्क यूनिवर्सिटी कनाडा में। जब इस बुक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया 2003 में, तो इसको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है कॉलेज में, उसमें 6th सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और तब से ये सिलेबस का एक हिस्सा हो गया। तो अभी कंट्रोवर्सी ये हुई इसमें कि जो टीचर्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये ऑब्ज़र्वेशन लगाया कि इसमें जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कास्टिस्ट हैं इस बुक में, और इनअप्रोप्रिएट हैं और ऑकवर्ड हैं क्लासरूम में इस्तेमाल करने के लिए। इसके साथ ही एक कॉलमनिस्ट हैं मिस्टर शिरोज सिंह बेचैन, उन्होंने एक हिंदी डेली में भी एक आर्टिकल लिखा और इस बुक की भत्सरना की, इस बुक का कंडेमनेशन किया कि ये बुक इनअप्रोप्रिएट है, इसका सिलेबस में, यूनिवर्सिटी के सिलेबस में रखना उचित नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो शिवराज हैं, जो शिवराज सिंह बेचैन हैं, ये एक फेमस राइटर हैं। मेरा बचपन मेरे कंधों पर इनकी बहुत ही फेमस बुक है, और ये हिंदी में लिखते हैं, एक हिंदी के लेखक हैं। अभी क्या होता है कि इन सारे एलिगेशंस की वजह से कि यह बुक सिलेबस में रहने लायक नहीं है या इनअप्रोप्रिएट है, टीचर कम्युनिटी और कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस इस बुक को सिलेबस से हटाने की डिमांड करती हैं। तो ये जो बुक है जूठन, इस बुक को सिलेबस से हटाने का डिमांड जैसे ही होता है, तो जो हिंदी न्यूज़पेपर है अमर उजाला, उसके 8 जनवरी के एडिशन में ये रिपोर्ट पब्लिश होती है कि इस तरह का कोई एक्टिविटी हो रही है किसी बुक को सिलेबस से हटाने के लिए। इसमें जो डायरेक्टर हैं हायर एजुकेशन के HP में, डॉक्टर अमरदेव, उनका भी नाम सामने आता है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस बुक को सिलेबस से हटा दिया जाएगा। लेकिन इस सारे डेवलपमेंट पे जो दलित कम्युनिटी लीडर्स हैं, उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया कि अगर इस तरह का कोई कदम उठाया गया कि किसी बुक को, जो दलित लिटरेचर की बुक है, उसको सिलेबस से हटाया गया, तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध जाहिर करेंगे। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड लेते हुए ये स्टेटमेंट जारी किया कि ये जो नोवेल है ये अभी भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का सिलेबस में है, और इसको निकाले जाने का या हटाए जाने का किसी तरह का कोई प्रपोजल नहीं है। तो आप लोग ये जो ऑथर हैं बुक के, इनको याद रखें, इस बुक का नाम याद रखें जूठन, और ये जो कुछ डेवलपमेंट हुए हैं इस बुक को हटाने के लिए या नहीं हटाने के लिए, उसको याद रखें। हाल ही में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ एक केस निकल के आए थे डिस्क्रिमिनेशन के, उसका भी रेफरेंस इस जो दलित कम्युनिटी लीडर्स हैं उनको, उनके द्वारा दिया गया। और जो मिड डे मील स्कीम में जो एक तरह से भेदभाव किया जा रहा है, स्पेशली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का केस सामने आया था जहां पे FIR भी दर्ज हुई थी, तो उसके ऊपर दलित कम्युनिटी लीडर ने अपना विरोध जाहिर किया। तो ये थी सारी कंट्रोवर्सी। थैंक यू। जय हिंद।